प्रदेश के मुख्यमंत्री तक एक साल से ज्यादा ये तथ्य नहीं ला रहा था। आप मुझे कह रहे हैं कि चंद्रभूषण वर्मा, असीम दास, सोनी, ये सारे लोग 500, 450, 65 करोड़ की बात करते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथ में पैसे देने की बात कबूल करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड्स, ऑडियो रिकॉर्ड्स और रिटन सबमिशन की बातें कही गई हैं मीडिया में भी, तो क्या मीडिया, दो प्रदेशों की पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, इन सबसे बेखबर है? भूपेश बघेल, आनंद पांडे, छत्तीसगढ़ का चुनाव कांग्रेस पार्टी हवाला ऑपरेटर से लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस, आंध्र पुलिस, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक संरक्षण में नहीं चलते। तो क्या भूपेश बघेल अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? तो क्या भूपेश बघेल ये स्वीकार करते हैं कि चंद्रभूषण वर्मा द्वारा 65 करोड़ ठीक था, असीम दास का 5 करोड़ 50 लाख रुपए या 30 लाख रुपए वो ठीक है, सिर्फ 508 के एक राशि पर उनका प्रश्न चिन्ह है, बाकी सब ठीक है क्या? 65 करोड़, 450 करोड़, 5 करोड़, 30 लाख से ज्यादा, 15 करोड़ की फ्रीजिंग बैंक अकाउंट में, क्या भूपेश बघेल का ये मानना है कि ये सारी राशियां ठीक है, सिर्फ 508 करोड़ की राशि पर उनको डाउट है? मैं पुरानी वापस अपनी बात को दोहरा रही हूं भाई साहब, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन कर रही है उन एफआईआर्स पर जो विविध राज्यों की पुलिस ने एविडेंस के माध्यम से कलेक्ट करके प्रस्तुत किया है। तो क्या भूपेश जी का यह मानना है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस, छत्तीसगढ़ की सरकार, आंध्र की सरकार भूपेश बघेल के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है? क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू, भूपेश बघेल जी क्या स्वीकार कर रहे हैं कि ठीक है 508 पर संदेह है, लेकिन 450 करोड़ जो पकड़ा गया है, 65 करोड़ रुपया जो चंद्रभूषण वर्मा कह रहे हैं, असीम दास का 5 करोड़ से ज्यादा का पैसा जो दुबई के उनके लोगों के माध्यम से निर्देशित किया गया कि रायपुर में जाकर बघेल को दो, क्या वो पैसे ठीक है? चंद्रभूषण वर्मा सरकारी मुलाजिम है, जिन्होंने ये कबूल किया है कि पुलिस प्रोटेक्शन के लिए वो लायजनिंग का काम करते थे और पैसा बांटते थे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्ट करे, तो आपने जो स्टिंग किया और जो एविडेंस बरामद हुआ है वो आपको साफ बतलाता है कि सत्ता में रहकर सट्टा का खेल खेला है भूपेश जी ने, जनता के सहयोग से नहीं, हवाला ऑपरेटर के सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद।